नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बछोड़ा आज आपको दिखा रहा हूँ अपने गांव की सौगात। गांव से मेरा भतीजा आया हुआ है, जो गांव में आजकल बरसात के साथ साथ खूब हरियाली हरियाली के साथ साथ खूब काम धंधे के साथ साथ वहाँ की जो सब्जियाँ और पहाड़ी ककड़ी ये लेके आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों नमस्कार, देखो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम कितनी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में रहते हैं। दिन भर ड्यूटी करने के बाद कपड़े प्रेस छोड़ के मेरी मैडम किचन में चली गई हैं खाना बनाने के लिए, और मैं देख रहा था न्यूज आजकल किसानों का चल रहा है यूपी में, और ये बहुत पुराना वीडियो शायद दिखाया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ गाँव से सिम्बा, तो ठीक है सिम्बा ठीक है, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको गाँव से क्या क्या सामान आया है। आज मेरा भतीजा आया है। सबसे पहले देखिए गाँव के केले, इतने बड़े केले शायद आपने देखे नहीं होंगे, ये बहुत बड़े केले हैं और छः आए थे, तीन खाए और तीन अभी भी रह गए। तो बराबर में यहाँ के केले भी हैं, वो लंबे और अलग ही कलर के हैं, और ये गाँव के केले हैं। तो गाँव के केले के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगा मिश्री इसलिए ऐसे रखी गई है, थोड़े से ये सीलन में देखिए गाँव की लौकी और गाँव में कितनी बड़ी लौकी होती है, और ये गांव का कद्दू, ओहो हो मेरा सारा होगा आप लोगों का जब इसकी सब्जी बनेगी। और एक गांव के बैगन भी हैं, इसमें पन्नी में रखा है इन्होंने, अभी ये फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पैकेट अलग अलग आते हैं यहाँ पे, कि ये अपने दीदी को दे देना, ये ससुराल को दे देना। ये भी छोटी सी एक लौकी, ये लौकी देखिए थोड़ा सा दो तीन दिन से गाड़ी में से तो काले से पड़ गए हैं, और ये हमारा घर है जहाँ हम लोग रहते हैं। मैडम गांव की सब्जियां क्या क्या आई हैं? लौकी और कद्दू, नींबू और बैंगन और घी। वो तो आपने बताया नहीं जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, खीरा, हाँ समझ गए आप। और ये देखिए गांव की ककड़ी है, इसमें से कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ मैंने भी खाया, और कल कुछ खाएंगे, और साथ के साथ रायता वाली पीली, इससे रायता बनाएंगे। कल कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊँ इसको, पूरी पीली वाली ककड़ी जो आती है गांव में, इतनी बड़ी ककड़ी कभी दिल्ली में आपने देखी नहीं होगी, ये पहाड़ी ककड़ी होती है। और ये हम लोग कल रायता बनाएंगे इसकी, और केले तो मैंने आपको दिखाए थे। तो दोस्तों देखा आपने, आज हमें गांव का पूरा लाड़ प्यार मिला हुआ है। ये मिस्त्री फिर से दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी गीली हो गई है रखते रखते गाड़ी में, दिन भर गाड़ी बंद थी और गर्मी बहुत थी, अब ये सुबह सूखने के बाद ठीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं कैसे पूरा फ्रिज भरा पड़ा है आज गांव की सब्जियों से, वो तो मैंने दिखाया आपको जो कहीं और देना है। और ये देखिए ये हमारी लौकी, और मैडम ने दही जमा दी, कल के लिए हम रायता बनाएंगे, और साथ में आप और भी देख रहे होंगे, ये कद्दू और ये वाला कद्दू, हाँ, और ये यहाँ की ककड़ी है वहाँ की नहीं। और इस तरह से बहुत प्यार गाँव से आज आया हुआ है, गाँव का नमक भी आया हुआ है। दोस्तों आपने देखा कितना गांव वालों को अभी भी अपने पहाड़ के प्रदेशियों से, प्रवासियों से प्यार है। कोई भी गांव जाता है तो वहां की एक चीज, चाहे वो सीजन में भट की दाल हो, गहत की दाल हो, मडवे का आटा हो, वो भी आया हुआ है, मैं दिखाना भूल गया आपको। और उसके साथ साथ आजकल गांव में रायते की ककड़ी, हरी ककड़ी सब चल रही हैं, कद्दू बिल्कुल छोटी छोटी कद्दू, बड़ी बड़ी कद्दू हैं, लौकियाँ हैं लंबी लंबी, सब यहाँ पर लेके आए हैं। मैं गाँव वालों को, गांव के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक करें, कमेंट्स लिखें, कुछ पूछना हो इन सब चीज़ों के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय उत्तराखंड।